दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारी टेक्निकल स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही काम की और बहुत ही बढ़िया चीज़ लेके आया हूँ। ये है इरिगेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम। आप देख सकते हैं, मैंने एक टिल्लू पंप लिया है। ये आपके घर में गमलों में बहुत काम आएगा। ये देखिए, यहाँ पे एक टिल्लू पंप है। ये से पाइप निकल के दूसरा पाइप आ रहा है। मैंने इसी में डाल दिया था कि पानी ना फैले। और ये देखिए, ये छोटा सर्किट आप देख रहे हैं, सिर्फ दो कंपोनेंट बना हुआ है। ये पूरा इरिगेशन सिस्टम है। मैंने कुछ नहीं किया है, बस इसको सप्लाई दी है। और ये दो वायर, मैं इन दो वायरों का आपको काम बताऊंगा बाद में। ये दो वायर आप देख रहे हैं, इनका काम मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये चार्जर्स मैं इनको सप्लाई दे रहा हूँ। और ये दो वायर देख रहे हैं, ये टिल्लू पंप में जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको आपको चला कर दिखाता हूँ। और हमने यहाँ पर एक बर्तन में पानी ले लिया है। आप मिट्टी, गीली मिट्टी भी ले सकते हैं, पर मैंने अभी पानी लिया है। तो फिर इसको चालू करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, पानी निकल रहा है इससे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं आपको इस एंगल से दिखाता हूँ वरना आपको समझ नहीं आएगा। अब ये देख सकते हैं कि पानी जो निकल रहा है। अब ये बर्तन में जो मैंने पानी रखा है, इसमें मैं देखिए दो वायर डालूँगा, वहाँ पानी बंद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं इसको बाहर निकालता हूँ, पानी चालू हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये इसके नीचे सरफेस में नहीं छू रहा है, आप देख सकते हैं। ये ऊपर पानी में ही है। मैंने निकालता ही ये वापस चालू हो जाता है, और डालते ही बंद हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं, इसका सर्किट कैसा क्या काम करेगा, बताता हूँ आपको उसके बारे में। और इसमें से दो ही कंपोनेंट लगे हैं और कुछ नहीं है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जैसे कि आप इस घर की मान लीजिए कोई गमला है, उसमें आपने गमले में ये दो वायर लगा दिए। ठीक है, इन दोनों को आप उससे चलाओ। बस जब तक आपके ये वायर क्या करते हैं, करंट पास नहीं करेंगे, यानी कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी इनको, तो मान लीजिए आपका गमली मिट्टी सूखी हुई है। जब तक मिट्टी सूखी रहेगी, तब तक ये काम करता रहेगा। जैसी मिट्टी गीली हो जाएगी, तो इसमें से करंट पास होने लगेगा, वैसे ये बंद हो जाएगा। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, आप कंपोनेंट देख लेते हैं। हम लोग कौन से दो कंपोनेंट चाहिए। हम लोग को एक रिले चाहिए 5 वोल्ट का। ठीक है, 5 वोल्ट सही है। और एक बस ट्रांजिस्टर चाहिए। बस ये दो कंपोनेंट से हमारा पूरा सर्किट बन जाएगा। ट्रांजिस्टर का मैं आपको नंबर दे देता हूँ। ट्रांजिस्टर का नंबर है D882। ठीक है दोस्तों, और इस ट्रांजिस्टर में ये वाला जो है, ये बेस है, बीच वाला कलेक्टर है, और साइड वाला मीटर है। मैं आपको दोबारा बना के नहीं दिखाऊंगा। मैंने एक पेपर बना चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं बनाने वाला, पर मैं आपको अच्छे से सर्किट डायग्राम को समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं ट्रांजिस्टर का सिंबल नहीं बनाऊंगा, ताकि इसमें समझ में प्रॉब्लम होती है। मैं ट्रांजिस्टर बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये आप ट्रांजिस्टर समझ लीजिए। ये इसके 3 टर्मिनल हैं। और देखिए, ये है आप बेस, ये कलेक्टर, ये इमिटर। ठीक है, D882। अब हम लोग को कनेक्शन कैसे करने हैं, हम लोग देख लेते हैं। हम लोग को इस पे बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट देना है। ठीक है, बैटरी 5 वोल्ट हो सकती है, और इसमें पॉजिटिव पॉइंट देना है। और यहाँ से एक वायर कट करना, एक और वायर निकालना है, और यहाँ से एक वायर निकाल देना है बेस। ठीक है, और एक वायर कलेक्टर से निकाल के, और बैटरी का नेगेटिव वायर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव वायर सीधा रिले में जोड़ देना है। ये रिले के 5 पॉइंट बनाता हूँ मैं। ये रिले कुछ इस टाइप का होता है, नीचे से आप देख सकते हैं, इसका एक पॉइंट टूट गया, पर उससे कोई मतलब नहीं। मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ है, ये कॉमन पॉइंट होता है, जिससे ये और ये दो कनेक्शन दिए जाते हैं, कोई नहीं। अब देखते पहले इसमें हम लोग को बस इसको, इससे इसको, और इससे कनेक्ट करना है, और हमारा सर्किट कम्प्लीट हो जाता है। हम लोग को बस ये दो वायर मिट्टी में लगा देने हैं, मिट्टी में गाड़ देने हैं थोड़ा सेपरेट डिस्टेंस पे। ऐसी मिट्टी गीली होगी तो इस कलेक्टर से करंट पास होगा पानी या मिट्टी इनपुट के थ्रू, तो वो बेस तक जाएगा। और आपको मालूम ही होगा, या तो नहीं मालूम, कि बेस को सिर्फ 0.75 वोल्ट ही चाहिए होता है कलेक्टर और इमिटेटर को कनेक्ट करने के लिए। उतना करंट पानी से आसानी से फ्लो हो जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इम्प्योरिटी में तो और भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इम्प्योरिटी थोड़ा कनेक्टिविटी बढ़ा देती है। इतना सिंपल सा सर्किट है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको रिले को उल्टा कनेक्शन करना है। इसका मतलब, जैसे कि मान लीजिए रिले ऑफ कंडीशन में,
ऐसे टच है, तो जब हम इसको करंट देते हैं तो ये इस वाले पॉइंट टच हो जाता है, तो जब ये ऑफ कंडीशन में तो इसको ऑन होना होगा, यानी मान लीजिए ये 220 वोल्ट के पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट को हम ले जाते हैं, ये दोस्तों मैं ऊपर से निकाला है वायर, कॉमन में जोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। अब हमें इसी में से एक वायर बाहर लेना है और एक वायर ये निकालना है, ठीक है। ये देख रहे कनेक्ट है, और अभी देखिए ये दोनों वायर मैंने कनेक्ट नहीं की, ठीक है। इसको हम लोग को आपके टिल्लू पम्प में जोड़ देना है, और सिंपल काम खत्म हो चुका है। आपको इन दोनों वायर को मिट्टी लगाना है, गीली मिट्टी, जैसे मिट्टी गीली हो जाएगी वैसे ये ऐसे की, जब तक ये ऑफ है यानी कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, रिले भी ऑफ रहेगा, रिले ऑफ रहेगा तो मोटर ऑन रहेगी, जैसे ही इसमें कनेक्टिविटी मिलेगी रिले ऑन हो जाएगा, रिले ऑन हो जाएगा तो आपका मोटर ऑफ हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सर्किट है, आप तो घर में बना सकते हैं, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है।